Hey everyone, welcome to my channel. I am your host Aman and you're watching Top Gear Extreme. तो भाई आज थोड़ा सा पहले काम था वो निपटा लूं एंड उसके बाद मैं जाऊंगा डैनियल के पास. डैनियल का स्टीयरिंग रैप कराना है तो हम बेसिकली ढूंढ रहे एल्केंटारा. एल्केंटारा जैसे स्वेट जैसा कपड़ा होता है ना, जिन भाइयों को पता ना हो तो उनके लिए थोड़ी सी मैं नॉर्मल उसमें बता रहा हूँ कि हाँ जैसे स्वेट जैसा कपड़ा होता है तो हमको पूरा स्टीयरिंग रैप कराना है. देखो स्टीयरिंग तो दो टाइप के होता है, एक नॉर्मल स्टिच हो जाता है जो 500-1000 रुपए में हो जाता है एंड एक होता है ओईएम स्टाइल स्टीयरिंग. तो जैसा अगर मैं स्टीयरिंग दिखाऊं, ये ओईएम स्टाइल कंपनी से आ रखा है तो आता पोलो में भी है जैसे लेदर है तो हमको चाहिए उसमें एल्केंटारा बोलते हैं जो स्वेट टाइप होता है. तो ये पूरा स्टीयरिंग खुलेगा, हब खुलेगा, एयर बैग हटेगा एंड यहाँ से पूरा खुल के पूरा जिसको बोलता है ना ओईएम, जो पता ना लगे कि स्टीयरिंग रैप भी हो रखा है. ऐसा लगना चाहिए स्टीयरिंग आया ही ऐसे था कंपनी से, जैसा कि मतलब जो हम करवाएंगे ऐसा ही लगेगा जो स्टीयरिंग आया है वो कंपनी के साइड से आया है कि हमने आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करा रखा. बट आज के उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि यार एल्केंटारा कपड़ा सारा मिलेगा कहाँ, क्योंकि वो इतना इजी मिलता नहीं और थोड़ा कॉस्टली होता है तो इतना इजी मिलता नहीं एंड मिल भी जाएगा तो सिलने वाला कौन मिलेगा, क्योंकि हमको चाहिए ओईएम स्टाइल. ओईएम स्टाइल वाले बहुत कम है मार्केट में. अगर वो भी मिल जाए ना तो सबसे बड़ा टास्क आज का है कपड़ा ढूंढना. कपड़ा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्वालिटी का मिलेगा, क्या प्राइस में मिलेगा, क्योंकि भैया देखो हम कार लवर्स तो है बट हम बेवकूफ नहीं है कि भैया 100 रुपए की चीज हम 10,000 रुपए में या 5,000 रुपए में खरीदे. बट हाँ वो कॉस्टली आता है हमको पता है. तो देखते हैं कहाँ मिलता है, घूमेंगे आज जगह जगह. एक दो जगह से एड्रेस मिला है कि वहां कपड़ा मिल सकता है तो डायरेक्ट वहीं जाएंगे. पहले अभी वीडियो में दिखाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे कहाँ कहाँ नहीं जा रहे. तो अब जैसा भी होता है देखते हैं. अभी पहुंचते डैनियल के पास, पहले अपना छोटा सा काम निपटा के फिर पहुंचते सीधा डैनियल के पास. सो भाई सारा काम निपटा के आ गया मैं डैनियल का जेरा डैनियल मास्क के साथ. तो भाई जैसे मैंने बताया था इसका ये जैसे हम दिखा सकते हैं स्टीयरिंग कंपनी से लग के आ रहा है पूरा लेदर फिनिश में, बट हमको लगाना है एल्केंटारा. और सबसे मेन दिक्कत ही जैसे मैंने बताया था कि एल्केंटारा मिलने की है. एल्केंटारा थोड़ा कॉस्टली आता तो हर कोई रखता नहीं. तो एक दो जगह पता करा है तो वहीं जाएंगे अभी सीधा. अभी हमको जाना एक दोस्त उठाने अपना गोलू गौरव बोला तो गौरव को लेने पिक करने जाना, थोड़ा लेट बताया तो वापस आप देख सकते हो वसंत कौन जा रहे हैं. एक मिनट कॉल आ रही बात करते हैं. सो फोन में बात हो गई है डैनियल की, अब जा रहे हैं गौरव के पास और जैसा बताया आज का टास्क है हमारा स्टीयरिंग, तो पहले इसको करवाते हैं एंड देखते हैं. सो भाई डैनियल से डर के गौरव ने गाड़ी ले ली है. डैनियल को फेंकरे भेज है, यहाँ गया गौरव. हेलो गौरव. हेलो भाई. क्यों तूने गाड़ी क्यों ली डैनियल से? दो चीज, टू थिंग्स. व्हाट टू थिंग्स? पहला डैनियल नौसिखी है. ओके. दूसरा डैनियल नौसिखी है. अब देख लो दो चीज है, डैनियल नौसिखी है. गो कार्ट जैसी गाड़ी है, बढ़िया है, छोटी गो कार्ट जैसी तो लगती होगी तेरे का ना, फॉर्च्यूनर के बाद. गो कार्टिंग तो करने ही आए थे हम लोग, यहाँ फ्री की हो गए, यहाँ पैसे बच गए भाई. अब तो देख पार्टी, अब तो पार्टी डैनियल. जितने किलोमीटर हम चला रहे हैं उसके हिसाब से हमने बचा लिए गो कार्टिंग के हिसाब से 2-3 हजार रुपए भाई. पर बंदा. कोई नहीं डैनियल, कर देंगे तेरी भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, अभी बचा देंगे. तो डैनियल बैठो, अपनी पेटियां बांध, पेटी बांध, पेटी चला लट जाए बीच में. हम देंगे पैसा, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे. हम ग्रामीण से हम बैठे थे, इसको आती नहीं थी, हमने छोड़ के निकल गए. चप्पल पहनी हुई उतार के भागनी पड़ेगी. देख लो चप्पल उतार के भागेंगे तो अभी चलो लेट्स गो. बीच वाले की पेटी कैसी है देख लो. अब देख लो कैसी की पेटी है भाई. तेरा पेट बचाना चाहता है जो निकल रहा है बहुत तेजी से बाहर, ठीक है ना. अभी चलो चलते हैं. तो फाइनली करोल बाग हम आ चुके हैं एंड यहाँ ट्रैफिक आज थोड़ा कम है पहले से, बट होता तो अभी भी ट्रैफिक ही है थोड़ा बहुत. अभी खाली है तो चलो इट्स फाइन. तो अब देखते हैं कहाँ जाना है. बेसिकली शॉप का हमने डाल रखा है लोकेशन, वहां जाके दिखाता हूँ कि वहाँ सामान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. देखते हैं चलिए कोई राइट में पड़ेगा. अच्छा ठीक है दुकान मेरे को पता लग गई, एक मिनट शॉप में जाके देखते हैं सामान मिलता है तो ठीक है. सो भाई देखो फाइनली कपड़ा तो मिल गया, काफी अच्छा लग रहा है. स्वेड है, एल्केंटारा नहीं बोल सकते बट हाँ सेम वैसा ही कुछ लग रहा है देखने में. टेक्सचर आप देख सकते हो जैसे एल्केंटारा का होता है. तो अगर सही बोलूँ ना बहुत सस्ते में पड़ गया हमको. रेट बता दूं कितने का पड़ा एक मीटर? सबको पता लग जाएगा, बता दे ऐसे. तो बता ही देते हैं, सही है ना काम कर रहा है. 135 रुपए का पड़ा है भाई ये एक मीटर. आप देख सकते हो इससे कम से कम 6 या 7 स्टीयरिंग कवर बन जाएंगे. किसी को चाहिए तो हम फ्री का गिव अवे कर देंगे थोड़ा सा काट के जितना स्टीयरिंग का. स्टीयरिंग कवर गिव अवे, कमेंट करो ये
उसको स्टेरिंग कवर मिलेगा। और TGX फैम #TGX फैम कमेंट करो, और जो पहले 10 बंदे करेंगे उनको फ्री स्टेरिंग कवर। स्टेरिंग कवर बट सिलवाना आपको ही, हम कवर दे देंगे अपने को सामान दे देंगे, गाड़ी के स्टेरिंग के हिसाब से काट के दे देंगे, आप अपने आप सिलवा लेना, डन, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, अभी हम जा रहे हैं INA, एक दोस्त है अक्षय, तो उसने बुलाया INA कि वहाँ सिल जाएगा, करोल बाग में नहीं सिलवा रहे क्योंकि अच्छा पता नहीं क्या रहेगा, सॉफ्ट है, सॉफ्ट लगेगा, ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है, देखो जरा ऐसे चला रहा है यार, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में एक से एक खिलाड़ी है मेरे। तो अब सीधा चलते INA, रास्ते में कुछ मिला खुराफाती तो देखते है। सो भाई INA में तो सिला नहीं, क्योंकि वो कह रहा था 2 से 3 घंटे बाद गाड़ी पकड़ेगा, ये बोलता रहा कि 2-3 घंटे बाद गाड़ी मिलेगी, अभी सील देगा तो हम मान भी जाते, बट कह रहा है 2-3 घंटे बाद लूंगा, तो जैसा अक्षय ने बुलाया था तो, बट क्या कर सकते हैं, बट आगे से ही काम नहीं हो रहा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम यहाँ से जा रहे, कहाँ जा रहे हैं? पालिका भवन। पालिका भवन अब जाते हैं, पालिका भवन, एंड वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ सिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसा हम देखेंगे बीच में कुछ खाना है कि नहीं, खाना तो अपनी कोक ले ले, अपनी कोक ले ले हमारी कोक मजाक कर रहे हैं, फिर इन दो भाइयों को गर्मी बहुत हो रही है, और भाई थोड़ा साइड हो जाओ, मान लिया रोड टैक्स दे रखा, हमने भी दे रखा यार, समझते नहीं है यार साला पब्लिक, फिफ्टी फिफ्टी है, इधर से ले ले वापस, वापस कहाँ जाएगा, बहुत लंबा कट जाएगा। तो अब हम जाते हैं पालिका साइड, रास्ते में कुछ खाने को मिला तो पहले ठूस लेंगे, वो भी दिखाई देंगे, नहीं मिला तो सीधा पालिका पहुंचते हैं। तो भाई स्टेयरिंग अपना खुल रहा है, यहाँ बोल तो रहे कि कर देंगे, तो अभी थोड़ा खोलने में दिक्कत हो रही है, उसको देखना चले रैबिट को मारे, तब देखते हैं कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि जर्मन कार खोल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो होती है लोकल मैकेनिक्स को, बट हाँ कह रहे हैं हम खोल देंगे, एंड कोई साइन वाइन आएगा नहीं अपने एयरबैग्स का, तो अभी खोलने में लगे हुए, आपको तो देखा ही होगा आप लोगों ने कैसा स्टेयरिंग था अपना पहले, तो अगर खुल जाए उसके बाद देखते हैं कि लगता क्या प्रोसेस है, कैसा लगता है क्या, लगाते हुए तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि सब दिखाते हैं, बोर करना क्यों है, तो लगाते हुए सोच रहे थोड़ा बहुत खाने पीने निकल जाएंगे उस टाइम। तो अभी डैनियल और गौरव को तो देखो, जैसे इन दोनों को बहुत समझ है और जीरो समझ है इन दोनों को गाड़ियों की देख हंस रहा, देख साला हंस रहा, तो चलो अगर खुल जाए फिर देखते हैं। तो भाई स्टीयरिंग तो आप देख सकते हो जैसे कि निकल गया, चलेगा अपना स्टीयरिंग, एंड सिस्टम का थोड़े जॉग व्हील खराब हो गया था वो सही करा रहे थे, उस चक्कर में कोड डल गया, अब कोड का ढूंढना पड़ेगा कैसे करा जाए, डिग्गी में है तो काफी सारे कोड, बट किसी खलीफे ने करा था और उसने एक मिनट का अपने भाई ने कर दिया, एक मिनट एक घंटे के लिए लॉक। अब देखते पीछे मिला कोई कोड यार, और डिग्गी में दे तो सही कोड, न्यूमेरिकल कोड ही मांग रहा है, हाँ न्यूमेरिकल कोड ही है, अब देखते हैं ये कोड का लफड़ा अभी खुलेगा भी तो एक घंटे बाद ये सिस्टम खुलेगा, एंड एक घंटा उसमें ही लगेगा अपना स्टेयरिंग में लगभग, तो अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, इनको दे रखी है ना सब कुछ तो लेके गाड़ी लॉक करके जाना बस। तो अभी थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, जहाँ जाएंगे वहीं सीधा मिलते हैं। अब जा रहे वापस मैनुअल निकालने गाड़ी की, अब देखते हैं किसी से पूछा है वो क्या तो रहा है, किसमें स्टीरियो मैनुअल में ऑडियो मैनुअल के अंदर 6 डिजिट का कोड है, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फॉक्सवैगन वालों से ही पूछेंगे। निकाल ले भाई मैनुअल, है डैनियल एक काम करने जाते हो दूसरा खराब हो जाता है ना, कुछ ना तो दिक्कत ही हमारे साथ, तो एक बार चलो कोड ढूंढते अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फॉक्सवैगन से मिलते हैं। सो भाई एक BT हो गई, अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्या BT होंगे, ट्राई कर रहा है अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को एक सजेशन दूंगा बहुत अच्छी अभी थोड़ी देर में। तो अभी एक जरा कुछ खाने पीने जा रहे हैं तो खा खो के सीधा मिलते हैं यार। सो भाई खाना भी आज सही बताना, आज का दिन ही बहुत बुरा है, खाना भी खाने जहाँ गए बहुत खाना बुरा मिला है ना। तो भाई एक चीज़ में कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले से कि यार एक दिक्कत हो गई है, BT हो गई है, तो भाई क्या हुआ, हम पालिका भवन आए थे तो पालिका भवन में क्या सीन होता है डायमंड बताइए जरा भाई। इन्होंने पहले तो आया कि बोला हम लोगों ने स्टीयरिंग लगा देंगे तुम्हारा, स्टीयरिंग कवर सील देंगे आराम से निकाल के, OEM टाइप जैसे बताया था हमने, आगे निकाल दिया, उसके बाद बोले भैया नहीं लगेगा ये तो भाई एक घंटा वेस्ट उसमें। पहले तो इन लोगों से ये स्टीयरिंग खुलानी, इनने एक घंटा इसको खोलने में लगा दिया, खोलने के बाद कहते कि भैया हाँ कर देंगे, क्योंकि ये पहले ना चक्कर में होते गाड़ी खोल दो कि कस्टमर कहीं और जाए ना भाई। उसके बाद इन लोगों ने अपना स्टीयरिंग वेयरिंग खोला, फिर जाके बोलते कि भैया आपके कपड़े में दिक्कत है ये वो, तो हमने बोला भाई हम हर जगह चेक करा चुके थे पहले भी, हमने फोन कपड़ा ही तभी मतलब पूछने के बाद लाए, फिर लास्ट में कहते भैया अब हमसे ही नहीं होगा। तो भाई जब भी आप पालिका हो ना तो अपने जानने वाले से और पहले पूछ लेना खुलवाने से पहले, और इन बेवकूफों ने हमारा ये फिर स्टीरियो भी खींच दिया ऐसी, फिर इसके बाद यहाँ आ गया पासवर्ड, ये तो कुछ नहीं ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ दे। तो फिर भाई पासवर्ड मांगने लग गए, फिर कहते भैया यार ये क्या हो गया वो क्या हो गया, इन लोगों को सही बताओ ना इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हमने जाके सर्विस सेंटर में कॉल करा फॉक्सवैगन की, तब जाके हमारा खुला।
तो आप लोगों को सजेशन दूंगा पालिका भवन या कहीं भी ऐसी लोकल मार्केट में जाओ ना, तो भाई जान पहचान से जाना या पहले उनसे अच्छे से पूछ लेना कि अगर करोगे तो तब खोलो नहीं तो मत खोलो। तो भाई आज का दिन तो पूरा खराब हो गया, अब देखते हो कभी इन फ्यूचर जब अभी स्टीयरिंग कवर कराएंगे तो उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तब तक के लिए लाइक एंड शेयर माय वीडियो, आज मूड खराब है तो ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं है, तो मिलते हैं चलो किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।